हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रितीश स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि कैसे हमने जो है ग्रिड व्यू को सॉर्ट करना है कॉलम बाय क्लिकिंग ऑन द हेडर टेक्स्ट। जैसे ही हम हेडर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो हमारा ग्रिड व्यू है इस कॉलम के अकॉर्डिंगली जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है सॉर्ट हो जाएगा, और इसके अकॉर्डिंगली सारी रोज जो हमारी हैं वो शफल करेंगी। तो यही हमारा आज का टॉपिक है, सॉर्ट डेटा, डेटा की सॉर्टिंग करनी है, कैसे करनी है। ग्रिड व्यू के हेडर टेक्स्ट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो उससे हमारा जो ग्रिड व्यू है वो सॉर्ट होगा। तो ये सारे लिंक्स मैंने दिए हुए हैं, अगर मैं रोल नंबर के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरी जो रोज़ हैं वो रोल नंबर के अकॉर्डिंगली सॉर्ट हो जाएंगी। वो असेंडिंग में हो सकती हैं, डिसेंडिंग में भी हो सकती हैं। अगर मैं नेम के ऊपर क्लिक करूँगा नेम के अकॉर्डिंगली हो जाएंगी, वो असेंडिंग में भी हो सकती है, डिसेंडिंग में भी। इसी तरीके से फादर नेम और इसी तरीके से सिटी। तो ये मेरे पास एक रनिंग एग्जांपल है, पहले मैं इसकी आपको वर्किंग समझा दूंगा और फिर आपको बताऊंगा बड़े ही इजी वे के साथ आप जो है इस तरह जो अपना ग्रिड व्यू है उसमें सॉर्टिंग की फैसिलिटी जो है ऐड कर सकते हैं। तो चलिए, जैसे ही मैं रोल नंबर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी इन असेंडिंग ऑर्डर है। अगर मैं फिर से क्लिक करता हूँ तो ये मेरी जो रोज हैं वो रोल नंबर के डिसेंडिंग ऑर्डर में शिफ्ट हो जाएंगी। तो इस तरीके से जो हमारी आज की एग्जांपल चलेगी, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग जस्ट मैंने मैसेज डिस्प्ले करवाया है आपको, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको पता चल जाए कि आपकी रो जो है अब डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गई है, इसलिए मैंने ये मैसेज एज ए लेबल के ऊपर शो करवाया है। तो ये हमारी आज की एग्जांपल है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हमने ये वाली एग्जांपल जो है डेवलप करनी है। तो मैं ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ, और इसी प्रोजेक्ट के अंदर आप एक नया प्रोजेक्ट खुद का क्रिएट कर सकते हैं। तो उसमें मैं इसी में एक नया वेब फॉर्म ऐड कर देता हूँ, ब्लैंक। तो राइट क्लिक करूँगा अपने सोल्यूशन के ऊपर, ऐड न्यू आइटम, और यहाँ से सिलेक्ट करूँगा एक नया वेब फॉर्म। और वेब फॉर्म का नाम आप अपने अकॉर्डिंगली दे सकते हैं, मगर मैं डिफ़ॉल्ट नेम ही रहने देता हूँ और इसको ऐड कर देता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो अब अपने जो है डिज़ाइन के अंदर जाना है, डिज़ाइन व्यू के अंदर जाना है, और टूल बॉक्स में से सबसे जो पहला कंट्रोल है वो ऐड करना है लेबल। तो लेबल के ऊपर मैं जैसे ही डबल क्लिक करूँगा लेबल मेरा जो है वेब फॉर्म के ऊपर इंसर्ट हो जाएगा। तो इसकी थोड़ी सी कोई प्रॉपर्टीज़ चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं टेक्स्ट प्रॉपर्टी को चेंज करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ रितीश स्टडी हब। तो ये जस्ट मैं चैनल की प्रमोशन के लिए यूज़ कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टूडेंट्स फ्रेंड्स जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस जो है अपने चैनल के ऊपर डेली अपलोड करता रहता हूँ। तो अब जो है मैं यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ, सॉर्ट डेटा बाय क्लिकिंग ग्रिड व्यू हेडर टेक्स्ट इन ASP.NET। तो अगला जो हमारा स्टेप है वो है कि टूल बॉक्स में से हमने ग्रिड व्यू को इंसर्ट करना है अपने वेब फॉर्म के ऊपर, और यहाँ पे हमने जो है एक लेबल इंसर्ट करना है जो हमारा मैसेज डिस्प्ले करेगा कि हमारा जो टेक्स्ट है, हमारा जो ग्रिड व्यू है वो असेंडिंग में हुआ है या डिसेंडिंग में हुआ है। तो इसको मैं ब्लैंक कर देता हूँ अभी। तो चलिए अब हम ग्रिड व्यू को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो ऑप्शन है ग्रिड व्यू को कॉन्फ़िगर करने के लिए वो है ऑटो फॉर्मेट। तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन हैं, किसी भी डिज़ाइन को आप यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो मेरा जो फेवरेट डिज़ाइन है वो है ब्राउन शुगर, तो इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ अपने ग्रिड व्यू के ऊपर। तो अब हमने जो है कॉलम्स ऐड करने हैं, डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करवाएंगे बाद में। तो डेटाबेस कैसा मैंने यूज़ करना है ग्रिड व्यू के अंदर वो आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो ये मेरे पास SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। SQL के रिलेटेड जितनी भी टास्क हैं
डेटाबेस क्रिएट करना, टेबल क्रिएट करना तो काफ़ी इजी हो जाती है इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। अगर आप एसक्यूएल सर्वर यूज़ कर रहे हैं तो ये सॉफ्टवेयर भी ज़रूर यूज़ कीजिएगा। इसका नाम है एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। तो इसमें डेटाबेस के रिलेटेड जितनी भी टास्क हैं काफ़ी इजी होती है हैंडल करनी। तो ये मेरे सर्वर का नेम है विकास पीसी एसक्यूएल एक्सप्रेस। तो इसके साथ मैं कनेक्ट करवा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरी जो कनेक्टिविटी है सर्वर के साथ हो चुकी है। तो कौन सा डेटाबेस मैं यूज़ कर रहा हूँ वो आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो मेरे डेटाबेस का जो नेम है वो है स्टूडेंट डेटा। तो इसके अंदर जो टेबल मैंने यूज़ किया है वो है स्टूडेंट इन्फो। तो स्टूडेंट इन्फो का एक बार आपको डिज़ाइन दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप फ्रेंड स्टूडेंट जो मेरे कॉलम है वो चार कॉलम्स है और एक कॉलम को मैंने प्राइमरी की सेट किया हुआ है। तो आपको ये कॉलम के नेम जो है याद रखने पड़ेंगे क्योंकि इनको हम यूज़ करेंगे ग्रिड व्यू के कॉलम्स के अंदर। तो पहले का नाम है एस रोल नंबर, फिर एस नेम, फिर फादर नेम, एफ नेम और सिटी। तो जो इसका डेटा है ऑलरेडी मैंने एंटर कर रखा है वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं मैंने दो रोज़ जो है एंटर कर रखी हैं। तो तीसरी रो भी एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ 2 4 5 और नेम लिख देता हूँ और यहाँ पे फादर नेम लिख देता हूँ और यहाँ पे सिटी लिख देता हूँ। तो ये मेरी तीसरी रो भी एंटर हो चुकी है। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो चलिए अब जो है अपना ग्रिड व्यू कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो वो सबसे पहले एडिट कॉलम के ऊपर क्लिक करेंगे और हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, हमारे पास चार कॉलम्स हैं, ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4। तो इसी तरीके से चार जो है बाउंड फील्ड को मैं ऐड करूँगा अपने सिलेक्टेड फील्ड के अंदर। तो ये मेरे पास चार बाउंड फील्ड आ चुके हैं। तो पहले बाउंड फील्ड के ऊपर मैं लिखूँगा रोल नंबर और अब अपने हमने क्या करना है, हमने कॉलम का नेम देखना है इसका। जैसे यहाँ पे है एस रोल नंबर और सेम वही यहाँ पे लिखना है शॉर्ट एक्सप्रेशन के अंदर, एंटर कर देना और यहाँ पे भी लिखना है एस रोल नंबर। इसी तरीके से सेकंड वाले को लिखना है नेम और यहाँ पे कॉलम का नेम देखना है एस नेम। तो यहाँ पे नीचे जाकर सॉर्ट एक्सप्रेशन के अंदर एस नेम और डेटा फील्ड के अंदर भी एस नेम। इसी तरीके से तीसरा, तीसरे के अंदर लिखना है फादर नेम और इसी तरीके से यहाँ पे लिखना है एफ नेम और यहाँ पे भी लिखना है एफ नेम। और इसी तरीके से चौथे वाले को यहाँ पे लिखना है सिटी और सॉर्ट एक्सप्रेशन में यहाँ पे लिखना है सिटी। तो शॉर्ट एक्सप्रेशन बेसिकली हम यूज़ करेंगे जैसे ही कॉलम के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो उसका एक इवेंट कॉल होता है ग्रिड व्यू का और उसका नाम है सॉर्टिंग। तो उसमें हमने यूज़ करना है शॉर्ट एक्सप्रेशन, वो आपको मैं बता देता हूँ कहाँ पे यूज़ होना है इसने। तो ये चारों जो है हो चुके हैं हमारे। अब मैं ओके कर देता हूँ। तो दो प्रॉपर्टीज इसकी और सेट करनी है। पहली प्रॉपर्टी है ऑटो जनरेट कॉलम्स, इसको हमने फॉल्स कर देना है। और दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है अलाउ सॉर्टिंग, तो इसको हमने ट्रू कर देना है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है अलाउ सॉर्टिंग, तो इसको मैंने ट्रू कर देना है। इससे मेरे पास जो है लिंक अनेबल हो जाएंगे कॉलम टेक्स्ट हेडर टेक्स्ट के अंदर। ये देख सकते हैं अंडरलाइन हो चुके हैं मेरे हेडर टेक्स्ट। अब जो हमारी नेक्स्ट जो वर्किंग है वो है कि हमने इसकी कोडिंग करनी है। तो कोडिंग कैसे करनी है, तो उसके लिए प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे ग्रिड व्यू को सिलेक्ट करने के बाद और यहाँ पे क्लिक करेंगे इवेंट्स। तो किस इवेंट के ऊपर आपने कोडिंग करनी है वो है सॉर्टिंग इवेंट। तो इसके ऊपर जैसे ही मैं डबल क्लिक करूँगा तो मेरे कोडिंग के लिए जो है सॉर्टिंग वाला जो है इवेंट आ जाएगा। तो सबसे पहले दो नेम स्पेस यूज़ करनी है हमने, करनी है सिस्टम डॉट डेटा
और दूसरी है सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्वेरी। तो ये दोनों ही नेम स्पेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं सारी कोडिंग का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। तो कोडिंग जो है पहले से ही मैंने की हुई है, ये अब हमने जो सेकंड कोडिंग करनी है वो करनी है पेज लोड के ऊपर। तो पेज लोड के ऊपर मैं कोडिंग आपको बता देता हूँ। एक मैंने वेरिएबल यूज़ किया है सॉर्टिंग, अगर तो वो नल है, जैसे आप पहली बार अपना प्रोजेक्ट रन करोगे तो सॉर्टिंग वाला जो वेरिएबल है वो व्यू स्टेट में मैंने सेव किया हुआ है, तो वो उसकी वैल्यू नल होगी। उस केस में वो बाय डिफ़ॉल्ट जो डेटा है रिट्रीव करके उसको बाइंड करेगा ग्रिड व्यू के अंदर। तो सेकंड वाली जो मैंने कोडिंग की है वो की है सॉर्टिंग इवेंट के ऊपर। तो वो कोडिंग भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें मैंने पहले सिंपली डेटा को रिट्रीव करना है, और यहाँ पे मैं कॉलम करें टू कर देता हूँ। सिंपली मैंने डेटा रिट्रीव किया है स्टूडेंट इन्फो से। ये देखिए स्टूडेंट डेटा जो मेरा डेटाबेस था उसका नेम लिखा है, और बाद में मैंने सारा डेटा जो है डीएस के अंदर ले आया हूँ। फिर मैंने एक डेटा टेबल क्रिएट किया है, तो डीएस का सारा डेटा डेटा टेबल में आ चुका है। फिर मैंने एक डेटा व्यू यूज़ किया है, तो डेटा व्यू हमें सॉर्टिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, इसलिए मैंने सारा टेबल जो है डेटा व्यू के अंदर ले आया हूँ। और फिर मैंने चेक करवाया है कि पहले वो डिसेंडिंग में है या नल है, तो मैं उसको असेंडिंग में कर दूंगा। ये डीवी मेरा डेटा व्यू है, अगर वो पहले से ही असेंडिंग में है तो उसके बाद में मैं उसको किस में कर दूंगा, डिसेंडिंग में। तो सॉर्ट एक्सप्रेशन जो है यहाँ पे मैंने यूज किया है ई डॉट सॉर्ट एक्सप्रेशन, जो वैल्यू मैंने वहाँ कॉलम की सेट की थी वो रिट्रीव होगी, और साथ में मेरे एएससी लग जाएगा, इससे वो असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। तो ये जो है डेटा व्यू है जो असेंडिंग में हो जाएगा, और यहाँ पे जो डेटा व्यू है वो डिसेंडिंग में हो जाएगा। बाद में मैं जो ग्रिड व्यू का डेटा सोर्स है वो ने मैंने डेटा व्यू के इक्वल कर दिया है, क्योंकि डेटा व्यू के अंदर जो भी डेटा सॉर्ट होके मेरे पास होगा वो सारा ग्रिड व्यू के अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपकी जो कोडिंग है वो वर्क करेगी। तो काफ़ी इजी कोडिंग है, आपको मैं ये सारी कोडिंग जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा एक टेक्स्ट फाइल के अंदर, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो चलिए इसको रन करके देख लेते हैं एक बार प्रोजेक्ट को। तो फ्रेंड्स जो मेरा प्रोजेक्ट है वो रन हो चुका है। तो चलिए रोल नंबर के ऊपर क्लिक कर लेते हैं सबसे पहले। तो जैसे ही मैं रोल नंबर के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखिए ऑलरेडी इन असेंडिंग ऑर्डर है। तो जैसे ही मैं फिर से रोल नंबर के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये डिसेंडिंग ऑर्डर में शिफ्ट हो चुकी हैं हमारी सारी रोज़। तो इस तरीके से जो है हमारा जो ग्रिड व्यू के हेडर टैग से जो सॉर्टिंग वाला डेटा है वो वर्क करेगा। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस। अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर रहे हैं।